हेलो बच्चे पार्टी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करें स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर्स मतलब वर्ग। आपको मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है कि एक बार देख लेंगे। वर्ग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, आज मैं आपको दो डिजिट के जो स्क्वायर्स हैं वो कैसे आप फिर से कर पाओगे, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। फटाफट से एक बार ध्यान से चीजों को समझते चल जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे। और मैं आपको ये ध्यान दोगे, जैसे ये 48 का है तो हम इसे नियर 50 पर रख सकते हैं साहब। मतलब मैं इससे स्क्वायर की अगर आपको रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ तो नियर 50 के ऊपर रख सकते। ठीक है, आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जो सब संख्याओं पर लग जाएगा। एक ऐसी स्थिति बता देंगे जो आपको पैटर्न वाइज जा रहा होता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा बस चीजों को समझते चलेंगे। जो बात समझ नहीं आएगी वो मेरे साथ पूछते चल रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक आपको पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, ये पैटर्न है किसका? नियर 50 के लिए। मतलब नियर 50, तो अगर 50 के आसपास की संख्या है तो कैसे आप यूज करोगे? इसके लिए बेस नंबर होता है बेटा 25। बस एक बात ध्यान रखना, बेस नंबर कितना होता है? 25। अब देखो ध्यान से, ये कितना कम है 50 से? सर ये 50 से, वर्ड्स रिपीट करा रहा हूं फिर से मैं, 50 से कितना कम है? 48। बोलोगे एक बार, 50 से कितना कम है? 48। 2, तो 2 का स्क्वायर कर दे तो ये आएगा 0.4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.4। 48 जो है 50 से कितना कम है? 2। तो इस 25 में से 2 कम करोगे 23, तो यहां लिख दोगे 23.04। ये हो जाएगा स्क्वायर 48 का। बहुत सिंपल तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। 49 कितना कम है 50 से? तो आप कहोगे साहब एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 0.1 होगा। 49 जो है वो 50 से कितना कम है? एक, तो 25 में से एक कम कर दे, 25 में से एक कम करेगा तो 24 यहां लिख देगा, 2401। ये किसका स्क्वायर हो गया? 48 और 49 का। मैं आपको सिखा चुका, ये वे संख्याएं थी जो 50 से कम थी। ऐसा भी हो सकता संख्या 50 से ज्यादा हो। अगर संख्या 50 से ज्यादा होगी तो उस स्थिति में क्या करोगे? जैसे यहां देखो 52 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? पहले अपने आप से पूछो, कम है तो कितना कम और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है? 2। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 0.4। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 0.4। तो साहब यहां देखो 50 से 52 52, कितना ज्यादा है? 2। तो 2 इसी में जोड़ दो 25 में, 25 में 2 जोड़ोगे तो 27। मतलब अगर 50 से ज्यादा है तो आप भी ज्यादा कर देना, 50 से कम है तो आप भी कम कर देना। बस इतनी सी कहानी होती। यहां समझोगे 53 है, 53 को ध्यान से समझोगे बहुत तेजी से। 53 50 से कितना ज्यादा है साहब? 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 0.9। 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 0.9। तो 50 से 53, 53 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ोगे 28, तो सर ये होगा 2809। कितना होगा? 2809। ये स्क्वायर किसका हो जाएगा? 53 का। मैं उम्मीद करूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। तो नेताजी एक बार थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्या आप ये चीजें समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, जो मैं आपको अभी बताया ये वाला मामला आप मुझे बताओगे 48 का जल्दी। 48, 49, 50, ये देखो लिखा हुआ है ना सारा। 48 दो का मैं साहब 0.4, 25 में से दो कम करोगे तो 23। 49, 50 से एक कम है अभी बता के आया हूं, एक का स्क्वायर 0.4, 25 में से एक कम करोगे 24। ध्यान दो 47, 50 से कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर 0.9, 25 में से 3 कम करोगे 22। 22.09 ध्यान दोगे। 46 कितना कम है? 4 कम है साहब, 4। 4 का स्क्वायर करो 16, और 25 में से 4 कम करोगे तो 21। तो बस ऐसे करते चले जाओगे 21 16। बताओ ये बात समझ पा रहे? मतलब ओरली कर जाओगे, ओरली ऐसी दिक्कत ही नहीं होगी कि आप चीजों को ना समझ पाओ। बस वर्ड्स पर ध्यान देना मेरे जवाब में आपको बोल रहा हूं। अब आप मुझे इसे बताओगे, ये बात मैं आपको सिखा चुका 45 51 52 53। बताओ 45 कम है कितना? 5। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 45 कितना कम है? 5। 5 कम करो 25 में से, 25 में से 5 कम करोगे साहब 20, यहां लिखोगे ये आ गया आपका 20 25। अब देखो 51, 51 का स्क्वायर कितना है? 51 का स्क्वायर वैसे लिख देंगे हम सीधा 2601, लेकिन बात को समझो, 51 कितना ज्यादा है? 1। 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 0.1। 1 ज्यादा है तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो साहब 2601। 25 के साथ ही कंपैरिजन करते चले जाएंगे, बिल्कुल सही। अब देखो ये 2 ज्यादा है तो 0.4, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना? 50 से कितना ज्यादा? 50 के साथ जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, 50 से कितना ज्यादा? 2। 2 का स्क्वायर 0.4, डन। फिर दोबारा कंपैरिजन करो, 50 से कितना ज्यादा? 2। तो 25 में 2 जोड़ के इसके सामने लिख दे, बात समझ आ रही है? यहां देखो कितना ज्यादा है? 3। तो 0.9 28 0.9। क्लियर है सभी को? किसी प्राणी को दिक्कत? तो आपको मैं और ऑप्शंस देता हूं। देखो ये आप बताओगे जल्दी मुझे,
54 55 57, जल्दी बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में फटाफट करके बताओगे, 54 55 57। तो इसे तो मैं देखो आपको तेजी तेजी से देखो, जैसे 4 ज्यादा है 16, 5 ज्यादा है 25, 6 ज्यादा है 36, 7 ज्यादा है 49। ध्यान दोगे बोर्ड की तरफ मैं तेज तेज लिख रहा हूँ, कितना ज्यादा था सर ये 4 ज्यादा है, तो 25 में जोड़ो 4, 25 और 4 सर ये 29, ये 30, ये 31 और ये 32। तो इसका मतलब 32 16 31 16, मामला सेट है साहब, चेक कर लो। कर लिया, पल्ले बड़ी बात है, समझ आई आपको ये बात जो बात मैं आपको बोल रहा हूं। 30 25 हो गया, 56 ज्यादा था 6 था, 6 ज्यादा था 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 36, ठीक है, 7 ज्यादा 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 जोड़ेंगे 25 7 32 49, क्लियर, ठीक है साहब। ये बात हुई 50 के आसपास की। अब देखो स्क्वायर्स नियर 100, नियर 100 की डिजिट क्या कहती, बस इस बात को समझ लो ध्यान से देखो, 99, 99 मतलब 100 से कितना कम है, वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, सुन लेना बस, 100 से कितना कम है, एक, एक कम है तो एक का स्क्वायर करो 0 1। मैं डिटेल बताना ही नहीं चाह रहा, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, 99 तो ऐसा मैं आपको 5 6 तरीके से बता दूं, ठीक है, बस बात को समझ लो, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, 99 100 से कितना कम है, एक, एक का स्क्वायर क्या 0 1, 99 कितना कम था 100 से, एक, तो बेटा क्या 99 से एक कम कर दोगे, सर कर देंगे 98। वहां बेस जो होता था 50 वाले में वो 25 फिक्स बताया था मैंने आपको, 50 वाले में बेस जो है 25 फिक्स बताया था, 100 वाले में बेस वही संख्या होती है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, 100 वाले में संख्या बेस वही होती है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो। देखो ध्यान से, यहां देखो 100 से कितना कम 2, तो 2 का स्क्वायर सर 4 0 4 करेंगे, 100 से कितना कम 2, इसी में से 2 कम कर दे 96, तो इसके सामने ध्यान दो, 97 कितना कम है साहब 3, 3 का स्क्वायर सर 0 9, और 3 इसी में से कम करोगे तो 9 4 0, बात क्लियर। यहां देखो 4 कम है 4 का स्क्वायर 16, 4 कम है साहब कितना कम है 4, कितना कम है 4, तो 4 इसी में से कम कर दो 92 16, बताओ पल्ले पड़ी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, कोई से को दिक्कत है, ओरली कर पाओगे, दिक्कत ही नहीं होगी कुछ भी, डन, चलो आगे। देखो ध्यान से ये बताओ 95 94 93 92, ये आपके लिए मैं देखो इतनी बात समझा दी मैंने, तो ये आपके लिए होमवर्क, होमवर्क मतलब इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे टाइप करके बताओगे सारे जल्दी से। इससे आगे बढ़ते हैं, ये देखो 101 100 से ज्यादा है बेटा, 100 से ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है 1, 1 का स्क्वायर करो 0 1, 100 से कितना ज्यादा था 1, 1 इसी में जोड़ दे तो ये होगा 102 0 1, बात समझ आ रही है, यहां देखो कितना ज्यादा है सर 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 0 4, और 2 इसी में जोड़ेगा तो 102 प्लस 2 104, 3 ज्यादा है 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, और 3 इसी में जोड़ देंगे तो 106 0 9, बस समझ आए, यहां देखो 4 का स्क्वायर 16 और 4 इसी में जोड़ दोगे तो 108 16, बताओ बातें समझ में आ रही है, फटाफट बोलो कि हाँ सर ये मामला मुझे समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं। ये बताओ कर पाओगे आप इसे फटाफट बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे आप इसका आंसर, मतलब ये सारे मैं आपको सिखा चुका, जैसे 5 है 5 ज्यादा है 5 का स्क्वायर 32 और 5 इसी में जोड़ दोगे तो 110 25, ठीक है 112 36 आपको आना चाहिए, 114 49, तो इसका कमेंट बॉक्स में तो बता दोगे, एक का तो बता दोगे नेता जी, जल्दी फटाफट। हाँ यहां देखो, अब ये मैं आपको एक रामबाण औषधि दे देता हूं जो आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर जाओगे, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा आप उस पर ये बातें अप्लाई कर जाओगे बहुत आराम से, फिर बोल रहा हूं 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा, रामबाण औषधि पकड़ा दी मैंने आपको, ये रामबाण औषधि है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करने की, ठीक है ध्यान दोगे मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। देखो जैसे यहां देखो 11, तो ये 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे, देखो ध्यान से 1 का स्क्वायर 1, हमेशा 2 डिजिट में लिखना 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1 गुणा 2 2, तो 2 जोड़ोगे तो 1 2 1, बात समझ आई। अब 12 का देखो, 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया 0 4, 2 डिजिट में लिखना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4,
तो मेरे शेयर 144। देखो ध्यान से, अगर 13 का करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 0 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 2 6, तो 169। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 0 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 2 6, तो 13 करा दिया। अच्छा मैंने, ठीक है 14 करो, तो 14 करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 4 4, 4 गुणा 2 8, तो 196। तो आप ये बात समझ पाए हो? अगर ये समझ पाए हो तो साहब ये करके बताओ जल्दी। समझ आ रही बात है? डन। देखो ध्यान से, अगर 15 का स्क्वायर करना तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 5 5, 5 गुणा 2 10, जोड़ दे मेरे भाई, लास्ट डिजिट को छोड़कर जोड़ दे, 5 2 2, 225 हो गया। समझ आई बात? 18 बताओ, 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 8 8, 8 गुणा 2 16, तो 324 नहीं होगा, जोड़ोगे तो। ये बताओ कमेंट करके जल्दी, क्लियर है? अब आप इसे कमेंट बॉक्स में बताओगे फटाफट, और ये पढ़ो। देखो ये थोड़ा सा बड़े नंबर पर आ जाओ, जैसे 31 का स्क्वायर कर रहे हो तो 31 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 2 6, बीच में रख के जोड़ दे 961। ठीक है, अगर 32 का स्क्वायर करो तो कोई भी दो डिजिट हो, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12, तो 12 जब इसमें आप जोड़ दोगे तो 10 24। अगर 33 का स्क्वायर कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर 0 9, मतलब लास्ट वाला दो डिजिट में लिखना बस, ठीक है 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18, 18 जोड़ देगा तो 9 8 हो रही होगा 1089। 34 का देखो, 34 का अगर आपने स्क्वायर किया, 34 का अगर आपने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा 3 12 गुणा 2 24, तो 24 जब आप इसमें जोड़ोगे तो 5 9 और 2 1156, बताओ कर पाओगे? क्लियर है मामला? इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी तुम्हें। डन। तो ये बताना जल्दी से, देखो अब दो डिजिट में कर रहे हो, मतलब किसी भी नंबर कर दो, एक का बता दो 68 का, जैसे देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 गुणा 6, 6 गुणा 8 48, 48 गुणा 96, तो 96 जोड़ रहे हो, तो देखो 4 6 6 12, 1 होगा आपका कैरी 10 और 6 16, 16 है तो ये होगा 4624, 4624। बताओ क्लियर है? डन हो गया मामला सेट, कर पाओगे वैसे? हाँ जी। तो देखो ये मैंने बता दिया, इन तीन को कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, बता पाओगे? कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए साहब, क्लियर? तो ये कहानी देखो, ये भी सेम है, आप किसी को पूछ लो मेरे, जैसे एक में 72 बता दूं आपको, 2 का स्क्वायर 4, 72 में बताऊंगा, 70 में आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, अभी सीख लो, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 2 28, सर जोड़ दे मेरे शेर 4 8 और 49 और 2 सर 51, 5184। अब देख एक और बता देता हूं, 82 का बता देता हूं, 81 का आप बताओगे, 82 का मैं बता रहा हूं, 81 का आप बताओगे, 2 का स्क्वायर 0 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 गुणा 16, 16 गुणा 2 32, 32 होगा तो 4 2 और 64 और 3 67, तो 6724। अब तो कर लोगे मुझे ऐसा लगता। तो स्क्वायर वाले और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको एक नंबर लिखूं, ऐसी संख्याएं जो 5 से फिनिश होती, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स दैट एंड्स विद 5, दैट एंड्स विद 5, मतलब ऐसी संख्याओं का वर्ग जो 5 से खत्म होती, जैसे 15, बस मुझे 15, 15 के बाद सर 25, के बाद 35, के बाद 45, के बाद 55, के बाद 65, 75, 85, 95, 105, कर लोगे? अब इनका वर्ग सिखा रहा हूं मैं आपको, चंद सेकंड के अंदर कर लोगे आप, चंद सेकंड के अंदर, मतलब ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि आपको सोचना पड़े, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी कि आपको सोचना पड़ेगा यहां से, बताओ बात समझ पा रहे क्या? देखो ध्यान से कैसे करोगे, ध्यान से बोर्ड की तरफ एक बार देख लोगे मामला डन हो जाएगा, समझ आ जाएगी बातें सीधी सीधी। देखो यहां देखो, 5 का स्क्वायर 25, सुन लेना बेटा ध्यान से एक बार, 5 का स्क्वायर 25, तो देख यहां क्या लिखा हुआ है, 1,
एक से अगला अंक क्या होता, दो होता ना, दो काउंटिंग में, वन टू थ्री, वन से आगे टू ही तो आता। हाँ तो इसमें गुणा कर दे, एक गुणा दो दो, तो देख 15 का स्क्वायर खत्म हो गया 225। ये बात समझ ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25 लिखा, दो से अगला क्या होता तीन, तो तीन गुणा दो 625। बात को समझो, 5 का स्क्वायर 25, तीन से अगला क्या होता चार, चार गुणा तीन 1225। क्लियर है? याद है, 5 का स्क्वायर 25, चार से अगला क्या होता पांच, चार गुणा पांच 20-25। बोर्ड की तरफ देख, समझ आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, शर्त रख के आएगा। देख यहां, 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगला अंक क्या होता 6, 6 गुणा 5 30-25। क्लियर? यहां देख, 5 का स्क्वायर 25, 6 से अगला अंक क्या होता 7, 7 गुणा 6 42-25। 5 का स्क्वायर 25, 7 से अगला अंक क्या होता 8, 8 7 56-25। 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगला अंक क्या होता 9, 9 गुणा 8 72-25। 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगला अंक क्या होता 10, और 10 गुणा 9 90-25। 5 का स्क्वायर 25, 10 से अगला अंक क्या होता 11, 11 गुणा 10 110-25। बताओ, मतलब ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ स्क्वायर करने के, मैंने आपको देखो 45 है, 55 है, इनके दो दो तरीके तो भी बता दिए, ठीक है? मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मैंने आपको ये चारों वीडियो बना के दिए, चारों वीडियो जाओ आराम से देखो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें काम आएंगी। ऐसा नहीं है, आप चाहे मतलब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ठीक है, ये इवन आप 11, 12th उसमें भी जा रहे हो, या नीचे और छोटी क्लासेस में, तो उन सभी के लिए भी ये फायदेमंद है, ठीक है? मतलब कैलकुलेशन जिसको दिक्कत करती है उसके लिए फायदेमंद, ठीक, कैलकुलेशन वाला जो हिस्सा है वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने चीजों को देख लिया हुआ है। सिर्फ चार वीडियो मैंने आपको अभी तक ये दिए, और आप रेगुलर इस बेसिस पर आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ तब करना जब तुम्हें अच्छा लगता होगा, नहीं अच्छा लगता हो मत कर, कोई कोई वो फास्ट रूल नहीं है कि करना ही करना। आज तक तुमने YouTube पे ऐसा नहीं देखा होगा कोई प्राणी बोलता हुआ कि नहीं चैनल मन करे तो सब्सक्राइब कर लो, मन करे तो मत करो, ठीक है? रीजन देखो, जिसका मन करेगा, जो जिसका अच्छा कंटेंट लग रहा होगा या चीजें नहीं लग रही होंगी, तो वो देखो मैं बोलूंगा तब भी नहीं करेगा, नहीं बोलूंगा तब भी नहीं करेगा, ठीक है? तो चीजें मतलब आपके ऊपर ही है, सब कुछ आपके लिए, आप चीजों को समझ रहे हो, आपको लग रहा है अच्छा है तो लगा दो, नहीं लग रहा तो मत करो। लेकिन हाँ, अगर नहीं लग रहा तो मुझे बता देना, मतलब कि सर हाँ यहाँ हमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा अगर इम्प्रूव कर सकते तो देख लो। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, मैं उम्मीद करूँ। तो आज के लिए साहब इतने रखते हैं, अगली क्लास में आपसे बेहद जल्द मुलाकात करेंगे, कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू, नाइस टू मीट यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।